सबसे पहले मैं चेक करूंगी लाइन को, लाइन फ्लैट हो गई है, मैं राइट क्लिक करके ड्रॉ कर लेती हूं। इसके बाद पत्ती बनाने के लिए कर्व, यहां से हम कर्व सेलेक्ट करेंगे। कर्व सेलेक्ट करके मैं इसके ऊपर भी एक कर्व ड्रा कर देती हूं, राइट क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींचती हूं, इसके ऊपर ड्रा कर दूंगी। ड्रा करने के बाद मैं यहां से दरमियान से पकड़ के ऊपर करूंगी। कर्व सेलेक्ट करेंगे तब ही ये कर्व बनेंगे, तो लाइन सेलेक्ट करेंगे तो दो लाइन बन जाएंगी, कर्व नहीं बनेंगी। इसके बाद दोबारा मैं कर्व सेलेक्ट करके इसके ऊपर एक और लाइन ड्रा करती हूं। और यहां से मैं दरमियान में लेकर यहां से इसको मूव कर दूंगी। ये देखिए अब ये पत्ती बन गई है। इस तरह से हम इसकी पत्ती बना सकते हैं। अगर हमने पत्ती बनानी है तो हम यहां पर कर्व सेलेक्ट करेंगे, ना कि लाइन सेलेक्ट करेंगे। लाइन सेलेक्ट करने के लिए दरमियान में ड्रा करने के लिए, और पत्ती बनानी है तो यहां पर कर्व सेलेक्ट करके इसके ऊपर जो है हम वो ड्रा करेंगे लाइन। ड्रा करने के बाद दरमियान में क्लिक करके यहां पर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये हम ऊपर की तरफ इसको मतलब ले जाएंगे, तो यहां से कर्व बन जाएगी। दूसरी कर्व बनाने के लिए दोबारा हम कर्व सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर जो है हम ड्रा करके फिर मैं दरमियान से पकड़ के नीचे की तरफ करूंगी। करने के बाद मैं बाहर आकर थोड़ा सा इसके ऊपर जाकर ऐसे क्लिक कर दूंगी तो ये जो है वो ड्रा हो जाएगी। अगर हम इसको कनेक्ट नहीं इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे इसके ऊपर, तो हम यहां पर भी क्लिक करेंगे तो पत्ती जो है खराब हो जाएगी, क्योंकि ये बनी नहीं होती है, ये इस तरह मोड़ जाती है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तब ये बन जाएगी। अगर हम बाहर जाकर यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां तक जो है आ जाएगी। अगर सही से बनानी है तो यहां पर इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है सही बन जाएगी। जैसे मैं अभी एक और बना के आपको दिखाती हूं, यहां पर इस पत्ती के अंदर मैं कलर कर देती हूं, बाकी यहां से सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक और पत्ती बनाकर मैं दिखाती हूं कि किस तरह वो ये लाइन सेलेक्ट करेंगे। पहले आप ये ग्रीन कलर इसी वजह से क्योंकि यहां पर मैंने सेलेक्ट ग्रीन किया हुआ है, यहां से मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगी, ये देखिए ब्लैक हो गया है। और पत्ती बनाने के लिए यहां से मैं कर्व सेलेक्ट करूंगी, कर्व इसके ऊपर जो मूवमेंट ड्रा कर देती हूं। ड्रा करने के बाद हमने दरमियान में क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रा करूंगी। ये देखिए अब मैंने इसके ऊपर क्लिक पे नहीं किया, इसके ऊपर ऐसे करके छोड़ दिया ना, ये है सिलेक्ट, यहां पर क्लिक करती हूं। ये देखिए कर्व खराब हो गई ना, मैंने यहां पर जाकर बाहर जाकर क्लिक किया। अब ये खराब हो गई तो मैं यहां पर कंट्रोल जी करूंगी, फिर दोबारा ये हो जाएगी। अब मैं इसके ऊपर दोबारा ये कर्व मैं सिलेक्ट करूंगी, इसके ऊपर मैं ड्रा करके अब बताती हूं ये कैसे भी सही। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी दरमियान में, ऐसे बना के थोड़ी सी ज्यादा कर देती हूं। अब मैं इसी के ऊपर जो है लाइन के ऊपर थोड़ा सा क्लिक करूंगी, और अब मैं बाहर जाकर जहां पर भी क्लिक करूंगी इस पर की कुछ नहीं, ये देखिए सही हो गया, सिलेक्ट हो गया, खत्म हो गया, अब सही हो गया। इसके बाद अब दूसरी मैं बनाऊंगी। इसके बाद मैं इसके ऊपर एक और लाइन ड्रा करूंगी,
और दरमियान में इसको भी ऐसे मैं ड्रैग कर दूंगी और इसी के ऊपर मैं क्लिक करूंगी तब ये पत्ती बन जाएगी। अब मैं बस जहाँ पर भी यहाँ पर कर्सर लेके जाती हूँ क्लिक करती हूँ तो इस पत्ती कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर एक बार जो है मैं क्लिक कर दें इसके अंदर भी मैं कलर कर देती हूँ। ये बकेट सिलेक्ट करेंगे कलर जैसे अंदर ये ग्रीन जो सिलेक्ट है बकेट आकर इसके अंदर मैं वो ड्रॉप कर दूंगी। इस तरह जो ये पत्ती जो हम बना सकते हैं जो भी हम कलर करना चाहें जहाँ से ब्लैक करना चाहें रेड जो भी हम वो कर सकते हैं। ये है जी एडिट कलर हम कलर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से मिक्सअप करके सॉलिड फिर जैसे करना होता है वो भी हम कर सकते हैं। और ये है जी बकेट बकेट से हम सिलेक्ट करके फिर यहाँ से कलर सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर अगर जहाँ उसके अंदर जहाँ पर भी करना हो उसके दरमियान में क्लिक कर देते तो कलर भी मिल जाता है। और ये है रेजर अगर कोई चीज जैसे यहाँ से खराब हो जाती है तो रेजर हम सिलेक्ट करके जैसे यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव करना चाहूँ यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ। और ये है जी पेंसिल इसे भी हम ड्रा कर सकते हैं अगर कोई ड्रा करना चाहें और ये रिसाइज रिपेट यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। और ये है जी साइज ये हम साइज भी ये कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका। और अगर हमने यहाँ पर ब्लैक कलर से यहाँ पर हमने ड्रा करना है पहले हम यहाँ से चेक कर लेंगे तो कलर कौन सा यहाँ पर फिल किया हुआ है। यहाँ से हम ब्लैक भी यहाँ से कर सकते हैं अगर यहाँ पर इसके अंदर ग्रीन येलो करना चाहिए येलो भी कर सकते हैं इसके अंदर क्लिक करते हैं।